सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। किरण से मेरी शादी हो गई थी। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, बहुत होनहार थी मेरी वाइफ। घर वालों को मुझे वो कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। मेरे घर वालों को उनकी पसंद पे नाज था, सभी की वो फेवरेट थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात भयानक हादसा हो गया। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात अचानक किरण के सीने में बहुत दर्द होने लगा। रात के करीब 11 बजे हुए थे। मैंने मेरे घर वालों को कहा कि मैं किरण को अस्पताल लेके जाता हूँ। मैंने किरण से चलने के लिए कहा। घर वालों ने उसे गाड़ी में बिठा दिया और मुझे उसे संभल कर अस्पताल ले जाने के लिए कहा। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले अनर्थ हो गया था और किरण हम सबको छोड़ के स्वर्गवासी हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि हार्ट फेलियर के कारण किरण की मौत हो गई थी। किरण के चले जाने के बाद मैं बहुत ड्रिंक करने लगा था और उसकी याद में रोने लगा था, लेकिन मेरे आंसू कुछ और ही कह रहे थे। मेरे आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। मैं बहुत खुश था। किरण के मरने के बाद मैं खुशी से मन ही मन नाच रहा था और ड्रिंक करके सेलिब्रेट कर रहा था। किरण मर गई। सच कहूं तो मैंने ही उसे मारा। प्यार हमसे कुछ भी करवा सकता है, लेकिन मेरा प्यार किरण नहीं थी। मेरा प्यार थी संजना। संजू मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। संजू बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी मेरी संजू। लेकिन न जाने क्यों मेरे घर वालों को संजना बिल्कुल पसंद नहीं थी। संजू और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी शादी के बाद तो वो बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी शादी के बावजूद वो पगली मेरी राह देख रही थी। मैं बस किरण से छुटकारा पाना चाहता था और मुझे पता था कि किरण मुझे आसानी से डाइवोर्स नहीं देने वाली। मेरे मन में मेरे घर वालों के प्रति और किरण के प्रति बहुत गुस्सा था। किरण तो मुझे डाइवोर्स देने से रही, लेकिन किरण की एक कमजोरी मेरे हाथ लग गई। उसने ही बातों बातों में मुझे ये बात कही थी। ये कमजोरी मुझे और संजू को फिर से एक साथ लाने वाली थी। किरण को भूतों और अंधेरों से बहुत डर लगता था। वो बिल्कुल डरपोक थी। उसका दिल बहुत कमजोर था। बस एक परफेक्ट मर्डर प्लान मेरे दिमाग में आ गया। मैं रोज किरण को डरावनी कहानियां सुनाने लगा। वो डर के मारे अपने कान बंद कर लेती थी, मुझसे दूर भागती थी। मैं उसे बहुत डराया करता था। डर के मारे वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। 2 साल तक मैंने उसे बहुत डराया, उसका जीना हराम कर दिया। मैं बस अलग अलग तरीकों से उसे डराया करता था। उसके ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाया करता था। धीरे धीरे किरण बीमार पड़ने लगी। अब तो उसे डरावने सपने आने लगे थे। उसका दिल काफी कमजोर हो चुका था। 2 साल तक बेचारी सब सहती रही। मेरे डर के कारण किसी से शेयर भी नहीं कर पाई बेचारी। उस रात
मैंने पंखे पर एक बहुत डरावना मास्क लटका दिया और अंधेरा करके चुपचाप सो गया। रात को किरण ने वो मास्क देखा और डर के मारे उसके सीने में बहुत पेन होने लगा। मैं उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकला तो था, लेकिन मैं उसे कहीं और ले गया, कब्रिस्तान। वहां पहुंचते ही मैंने चुपके से वो मास्क पहन लिया और जैसे ही किरण की तरफ देखा, किरण को एक जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और इसने गाड़ी में ही अपना दम तोड़ दिया। घर वालों और पुलिस से बचने के लिए मैं उसे अस्पताल ले गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हार्ट फेलियर के कारण किरण की मौत हो गई थी। बस यही तो मैं चाहता था। किरण परलोक यात्रा पर चली गई और किसी को मुझ पर शक भी नहीं आया। मैं खुशी के मारे झूम रहा था और सेलिब्रेट कर रहा था। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ मेरे कल्पना के परे है। मुझे अब किरण दिखने लगी है। वो हर वक्त मेरे पास है। मुझे गुस्से से घूरती है, जोर जोर से हंसती है। डर क्या होता है, ये अब जाकर मैंने जाना है। बस एक ही चीज कहती रहती है, समीर अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? और अजीब तरीके से हंसती है। उसकी वो भयानक आवाज से मेरी रूह तक कांप उठती है। उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया है। सभी को लगता है किरण के गुजरने के गम में मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, पर मैं सबको कैसे बताऊं कि वो मेरे आसपास मंडराती है। उसकी वो भयानक आंखें ना तो मुझे चैन से जीने दे रही है, ना ही मरने दे रही है। न जाने कितने रातों से मैं सोया नहीं हूं। अब वो मुझे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। डर के मारे अब मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, लेकिन कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता। मेरे घर वालों को लगता है कि किरण के स्वर्गवास के बाद मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। मेरी संजू भी मुझे पागल समझती है। लेकिन मैं इन सबको कैसे बताऊं कि शायद अब किरण की रूह ने एक परफेक्ट मर्डर प्लान किया है। अब जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता, तब तक शायद वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं पागल नहीं हूँ। किरण मुझे देखती है और अब मैं ये सह नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आत्महत्या इस बात का सबूत है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।
हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।